बस इधर बैठिए, इधर बैठिए। Are you okay, man? Yes, yes. क्या हुआ, क्यों खड़े हो? ये सर बस गिर गए थे पानी में, अब ठीक है, आप जाइए ना यहाँ से। ये ऐसा नहीं, मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह पे कोई और भी होता ना तो मैं यही करती, पर ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप यही बोलने वाले हो ना कि थैंक यू तुमने मेरी जान बचाई, और इसके बदले में मैं कैसे क्या एहसान कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। वैसे द्वारकाधीश जी तो खुद ही सबका बेड़ा पार करते हैं, ये तो द्वारकाधीश जी की नगरी है, ऐसे कैसे डूबने देते, बस भेज दे अपने दूत को। वैसे आप कहाँ रहते हो? वो मोराडिया रोड, नेशनल हाईवे के पास। ठीक छे, तो चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको, आइए। कोई बोलो प्लीज, कोई है यहाँ, सुन रहा है मेरी बात? मेरे दोस्तों ने मुझे बंद कर दिया, प्लीज मुझे गांव देना है। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हें मुझे छोड़ना है? नहीं, इतने भी फ्री नहीं है कृष्णा, वो तो मैं उसी तरफ जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपको छोड़ दूं। दरअसल वहाँ बहुत बड़ी शादी हो रही है, बहुत अमीर लोग आए हुए हैं, वो भी मुंबई से, किसी आर्यमन की शादी कराने। सुना है वो थोड़ा खड़ूस है, सड़ू भी है। एक सेकंड, क्या खड़ूस? हाँ, लोग तो कह रहे थे कि रोटी से ज्यादा उसका मुंह फुला हुआ रहता है।